झारखंड में लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार महिलाओं के साथ कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जो सुर्खियों पर भी रहती है, जैसे साहिबगंज का मामला, तो वहीं दूसरी ओर बड़का गांव में भी इसी तरीके का मामला सामने आया है, जहां कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने फांसी लगा ली है। हालांकि कई लोग यहां पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, हम इन्हीं से बात करेंगे क्या था पूरा मामला और राज्यपाल ने क्या कुछ इन्हें कहा है। आपने कहा कि लगातार महिलाओं के साथ कई ऐसे अत्याचार जो हो रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी जो बच्ची है वो फांसी लगा ली, क्या था पूरा मामला, कुछ आपको पता है? देखिए, हमारे बड़गांव प्रखंड के 10 क्लास में पढ़ रही थी हमारी दलित बहन निशा कुमारी, सुश्री निशा जी जो 10 क्लास के स्टूडेंट थी और कस्तूरबा विद्यालय में बड़गांव में पढ़ाई करती थी। 18 तारीख के अचानक सुबह हमको पता चलता है कि एक कमरा में जब 10 लड़की रहते हुए में भी अगर कोई एक लड़की फांसी लगा ली, काफ़ी दुखित घटना है। और इस विषय में लेकर हम लोग कस्तूरबा विद्यालय पहुँचे, वहाँ पर जाँच भी किए। कस्तूरबा विद्यालय बड़गांव प्रखंड में एक है जिस हॉस्टल में लड़की लोग रहती, उस हॉस्टल का जेंट्स अकाउंटेंट है, इसे काफ़ी दुखित है कि लड़की के बीच में जेंट्स अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके लेकर आज हम लोग मुख्यमंत्री को प्रतिलिपित, राज्यपाल को भी दिए हैं और शिक्षा मंत्री को भी दिए, और जो हमारी दलित बहन निशा कुमारी के, सुश्री निशा के इंसाफ के लिए जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो हत्याएं हुए हैं, इसके इंसाफ के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं। अगर हमारी बात सरकार अगर सुन लेती, अगर जाँच कर, अगर जाँच का विषय है, जाँच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर मेरी मांग पूरी हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरे बड़गांव प्रखंड में बुजुर्ग आंदोलन करेंगे। हमारी बहन के साथ जो घटनाएँ हुए ऐसा दोबारा किसी और बहन के साथ नहीं हुए, और ये घटना आज पहली बार नहीं है, बड़गांव कस्तूरबा का ये तीसरा घटना है, तीन बार ऐसा हो चुका है, आगे चल के भी ये घटना ना हो, इसके लेकर आज हम लोग राज्यपाल से गुहार लगाएं और आगे भी लगाएंगे, और अपनी बहन निशा के इंसाफ के लिए आवाज़ के लिए आज राज्यपाल के पास आए हैं और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर हमारी बात बताइए, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बात हुई कि ये तीसरा मर्तबा ऐसा हो रहा है जब एक ही विद्यालय में तीन बार तीन लड़कियों ने आत्महत्या की है। देखिए, तीन, ये दूसरा लड़की का घटना, ये दूसरा है, एक घटना जो वहाँ के गार्ड थे उसके साथ हुआ था, वो भी सुसाइड किए थे, और हमारे स्थानीय विधायक को हम कहना चाहते हैं, हमारे स्थानीय विधायक की ये सब नज़र नहीं आता, घटना होने के बाद भी हमारी विधायक सूद लेने तक नहीं पहुँचे, वहाँ की पहुँचने क्या है, वो दलित थे, दलित के घर में किसी को अफसोस नहीं हुआ, और उस विधायक का भाई बड़कागांव में आकर वहाँ से मैक्सिमम मात्र 8 किलोमीटर के बगल में वो पीड़ित का घर था, मगर उसके घर जाना नहीं चाहा, और काफ़ी दुखित है विधायक। जब हमने एक व्हाट्सअप मैसेज किया, व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद विधायक का नींद खुला और संज्ञान लिए, तब विधायक उस पीड़ित परिवार से कल मिले, मिलकर आए, और उस विधायक से कोई उम्मीद नहीं है, जो अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा आदिवासी का बात नहीं करे उस पर क्या उम्मीद रखे। इसलिए आज मुझे मजबूरी होकर यहाँ पे राज्यपाल का चौखट आना पड़ा, और उम्मीद हमको राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, इस सरकार से कि हमारी बहन निशा को इंसाफ मिल जाएगी। एक बात बताइए, छात्रा ने फांसी लगाया है तो आपको कब पता चला कि मे बी उसका हत्या हो सकता हो? देखिए, एक बात ये है, एक कमरा में 10 लड़की रहते हुए में फांसी नहीं लग सकता, जिस हिसाब से बॉडी को देखा गया उस बॉडी से नहीं लगता कि हमारी बहन फांसी लगाई होगी। उससे जांच का विषय जांच करें, हम लोग मांग किए प्रशासन को, हम लोग लिखित आवेदन दिए, उस पीड़ित के गार्जियन से भी हम लोग आवेदन दिलवाए हैं, अगर जाँच में प्रशासन सबूत अच्छा पा जाती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसका बिजोर आंदोलन करेंगे, और हम लोग जिला लेवल में आंदोलन करेंगे, राज्य लेवल में आंदोलन करेंगे, क्या हमारी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद कोई दूसरा बहन के साथ नहीं हो, इसके लिए हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं, और वहां पे जो अकाउंटेड है, जो जेंट्स अकाउंटेड है, उसको हटा के लेडीज अकाउंटेड वहां जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। तो आपने सुना कि झारखंड में एक और दलित बच्ची का यहाँ पर हत्या हुआ है, हालांकि फांसी लगाने की बात सामने आ रही है, लेकिन तमाम जो परिजन है उनका कहना है कि एक रूम में 18 लड़की अगर रह रही है तो किस तरीके से वो फांसी लगाएगी। हालांकि इसको लेकर इन्होंने कहा है कि पुलिसिया जाँच होनी चाहिए, अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर जाँच के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।